हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर संजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टुडे इज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर्स और वी कैन से चॉम्स्की हायरार्की, दोनों एक ही मतलब है, टाइप्स ऑफ ग्रामर एंड चॉम्स्की हायरार्की। लेट अस सी टाइप्स ऑफ ग्रामर। चॉम्स्की हायरार्की रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर एक्सेप्टेड बाई डिफरेंट मशीन्स। The category of language in Chomsky hierarchy is as given below. Type 0 and also known as unrestricted grammar. Type 0 or unrestricted grammar. Second is type 1 or we can say context sensitive grammar. Type 2 or we can say context free grammar. Type 3 regular grammar. तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ ग्रामर्स इन चॉम्स्की हायरार्की और टाइप्स ऑफ ग्रामर। ये जो फोर टाइप्स हैं ये किसी न किसी मॉडल के थ्रू हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, यूज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप जीरो जो ग्रामर है, टाइप जीरो ग्रामर को जो मॉडल एक्सेप्ट करता है वो है आपका ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन आपका इस मॉडल को एक्सेप्ट करेगा और ये जो सेट होता है टाइप जीरो ये सबसे लार्ज होता है एज कंपेयर टू टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। देन टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब यह है कि आपने कोई भी प्रोडक्शन लिखा, ए ए प्रोड्यूसेस ए बी, तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो सिंबल्स दिख रहे हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो जो हमारा मेन नॉन टर्मिनल होगा, सिंबल होगा, वेरिएबल होगा, उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी स्ट्रिंग होगी, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। एंड इसके राइट में बिफोर दिस एरो दैट इज कॉल्ड राइट कॉन्टेक्स्ट। इट मींस के वी हैव सम स्ट्रिंग्स बिफोर दिस नॉन टर्मिनल एंड आफ्टर दिस नॉन टर्मिनल ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ ग्रामर, दैट इज कॉल्ड टाइप 1। हम इसका डिटेल और एग्जांपल दोनों में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। टाइप 2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब है कि आप जब टाइप 2 की बात करेंगे तो इन टाइप 2 ग्रामर वी हैव ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मींस बिफोर एरो एंड राइट हैंड साइड मींस आफ्टर एरो। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री और टाइप 2 ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड में वी विल हैव ऑलवेज सिंगल नॉन टर्मिनल। सिंगल नॉन टर्मिनल ही आपका होना चाहिए, अदरवाइज दैट ग्रामर और दैट प्रोडक्शन विल नॉट बिलोंग्स टू इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप 2। टाइप 3 ग्रामर और वी कैन से रेगुलर ग्रामर, ये जो ग्रामर होता है ये सबसे छोटा सेट होता है, सबसे स्मॉल सेट होता है इन फोर टाइप्स में। अब हम देखते हैं कि एक एक वन बाई वन कि कौन सी ग्रामर में क्या रूल्स होते हैं। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो यहां पर हम ये सर्किल में देख रहे हैं कि सबसे आउटर सर्किल है, दैट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और टाइप 0 ग्रामर। ये सबसे बड़ा सेट होता है किसी भी ग्रामर के लिए। नेक्स्ट इज टाइप 1। टाइप 1 एक सबसेट होगा टाइप 0 का और इसमें जो कंडीशंस होंगी वो सभी के सभी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। देन कॉन्टेक्स्ट फ्री, देन रेगुलर ग्रामर। तो ये इनको हमने एक डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो रेगुलर ग्रामर है वो सबसे छोटा सेट होता है, उससे बड़ा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उससे बड़ा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, देन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और इसी हायरार्की को हम बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की। उन्होंने उसमें जो डिफाइन किया है, जिसके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। टाइप जीरो ग्रामर, टाइप जीरो ग्रामर क्या होती है? अ टाइप जीरो ग्रामर इज आल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रामर रूल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप कोई भी कितने भी सिंबल्स आप रख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एरो के बाद में और एरो के पहले नंबर ऑफ सिंबल्स डिफरेंट हैं, हो सकते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। सेकंड इज
टाइप वन ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस. द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर फॉलोज द फॉलोइंग रूल्स. इसमें सब कुछ रूल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा, और यदि वो रूल्स इस ग्रामर में फॉलो होंगे तब हम बोलेंगे दैट टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड टाइप वन ग्रामर. फर्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर मे हैव मोर देन वन सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर प्रोडक्शन रूल्स. सेकेंड, द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड. इसका मतलब यह है कि मैंने यदि कोई प्रोडक्शन लिखा है तो प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस बी सी, तो ये आपका प्रोडक्शन वैलिड होगा फॉर टाइप वन. बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए बी प्रोड्यूसेस सी, तो ये प्रोडक्शन आपका टाइप वन में नहीं होगा, लेकिन टाइप जीरो इसको एक्सेप्ट करता है. क्यों? क्योंकि सेकंड रूल हमारा ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो राइट हैंड साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर या कम हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा सिंबल्स नहीं होना चाहिए विद एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड. तो ये रूल हमें फॉलो करना होगा, तभी हम बोलेंगे ये आपकी टाइप वन ग्रामर है. नेक्स्ट रूल है द रूल ऑफ द फॉर्म ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड अनलेस ए इज अ स्टार्ट सिंबल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी ग्रामर में एस प्रोड्यूसेस मान लीजिए एप्सिलॉन है और एस आपका स्टार्ट सिंबल है तो हमें ये एक्सेप्ट होगा, लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि एस आपका स्टार्ट सिंबल है और एस प्रोड्यूसेस ए बी एंड एस स्टार्ट सिंबल के अलावा यदि कोई दूसरा नॉन टर्मिनल नल प्रोड्यूस करता है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा. इस तरह से आपका ये जो प्रोडक्शन होगा वो टाइप वन में एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर ये ऐसा होता है तो वो टाइप वन ग्रामर नहीं होगी. अगर वो स्टार्ट सिंबल है, जैसे एस स्टार्ट सिंबल है, तो एस प्रोड्यूसेस नल एक्सेप्ट होगा, ये हमें टाइप वन ग्रामर में एक्सेप्ट होगा. बट अगर वो स्टार्ट सिंबल नहीं है और एप्सिलॉन को प्रोड्यूस करता है तो वो आपका टाइप वन ग्रामर की कैटेगरी में नहीं आता. तो ये थ्री रूल्स हैं आपको जिनको ध्यान रखना है जब भी आप बात करेंगे टाइप वन ग्रामर की. नेक्स्ट इज टाइप टू ग्रामर. टाइप टू ग्रामर में जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि मान लीजिए ए और इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है स्मॉल ए और इसके राइट में लिखा हुआ है स्मॉल बी. दिस प्रोड्यूस एनी स्ट्रिंग एक्स बाई और टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स देर इज नो लिमिट एंड ए इज अ नॉन टर्मिनल. तो ए के लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट में जो स्ट्रिंग है दैट इज कॉल्ड राइट कॉन्टेक्स्ट. तो टाइप टू ग्रामर में आपका ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल होगा. अगर ऐसा सभी प्रोडक्शन में होता है तो हम उस ग्रामर को बोलते हैं कि ये ग्रामर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है. जैसे ये आपका वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना है कि सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरे सिंबल्स हमारे नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो टाइप टू ग्रामर है. टाइप थ्री ग्रामर. टाइप थ्री ग्रामर जो होती है उसको हम रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, और इसमें आपके इस तरह की प्रोडक्शन आप यूज करते हैं टर्मिनल then non-terminal. इसको हम बोलेंगे regular grammar. There are two types of regular grammars, left linear and right linear. तो type 3 grammar is also known as regular grammar. Regular grammar, regular languages are those languages which can be described using this expression, regular expression. And these languages can be modeled by NFA or DFA. It means NFA or DFA इस language को accept करते हैं, grammar को accept करते हैं. तो ये था आपका चॉम्स्की हायरार्की. Thank you very much.